हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम संगियो, दोस्तों, यारो, मलंगो। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे दोस्त एकदम चौकस होंगे और मज़े कर रहे होंगे। देखें, इस वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि वो लोग जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और उनके पास RDUE का वीज़ा है और वो यहाँ पे हैं, इनसाइड द कंट्री हैं, तो वो लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हम जो वीज़ा एक्सटेंशन है वो कर सकते हैं या नहीं। जितने दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें। देखिए, सबसे पहली ये बात है कि आप अपने माइंड में बिठा लें कि जो एक्सटेंशन है ना, वीज़ा एक्सटेंशन, वो कितने टाइप की होती है। दो तरह की एक्सटेंशन होती है। एक होता है A to A बोलते हैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। वो ये होता था कि आप जब आपने वीज़ा आपका ख़त्म होने लगता था तो आप क्या करते थे, टिकट बुक कराते थे, पैकेज लेते थे पूरा, बहरीन या कतर या कोई भी, मतलब इस तरह की जो कंट्री होती थी, ओमान वगैरह, बहरीन वगैरह, तो आप कुवैत वगैरह, आप क्या करते थे, यहाँ से A to A का वो टिकट लेते थे, एयरपोर्ट पे जाना, एग्जिट करना और वापस आ जाना, ठीक है। आप एयरपोर्ट पे होते थे, आपका वीज़ा निकल आता था, जैसे ही वीज़ा निकला आप दोबारा वापस इंटर हो जाते थे। वो होता था 2 महीने का आपका वीज़ा बढ़ जाता था, आपको 2 महीने का वीज़ा मिल जाता था। अब फिलहाल वो वीज़ा नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों के लिए, स्पेसिफिकली वो वीज़ा अभी बंद है। सेकंड क्या चीज़ है, एक्सटेंशन है इनसाइड द कंट्री रह के, आपको कहीं किसी जगह पे भी नहीं जाना, आप इनसाइड द कंट्री बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, उस वक्त जो है वो आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ के लिए, और 2 दफ़ा बढ़ा सकते हैं। मतलब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आप जिस जहाँ से वीज़ा लिया उसको बोलो कि भाई मेरा वीज़ा एक्सटेंड कर दो, वो एक्सटेंड करेगा, 30 डेज़ के लिए एक्सटेंड होगा। जब वो ख़त्म होने लगेगा, एक और चांस आपके पास होगा एक्सटेंड करने के लिए, आप वो एक्सटेंड करोगे, उसके बाद आपकी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको एनी हाउ आपको कंट्री से एग्जिट करना पड़ेगा, या सेकेंड ऑप्शन ये होगा कि आप किसी कंपनी के अंदर रेजिडेंस जो वीज़ा है वो लगा लें, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आप एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, हो सकता है शायद लेटर ऑन जाके हालात नॉर्मल हो जाएं, पाकिस्तानियों के वीज़े ओपन हो जाएं, जो भी है, लेकिन जो एक मकसद है आपको बताने का, ये 2 महीने का टाइम होगा आपके पास। अगर किसी बंदे की RD एक एक्सटेंशन होगी तो उसके पास एक एक्सटेंशन बाकी है, तो लाजमी अपना जो भी है स्टेटस विजिट वीज़े से ख़त्म करके रेजिडेंस वीज़े की तरफ लेके आएँ, ताकि आपको ओवरस्टे ना हो, फाइन ना हो। अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए दुबई वाली सरकार को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।